नमस्कार दोस्तों, बजट 2022 ने क्रिप्टो करेंसी निवेशकों में खलबली मचा दी। यानी क्रिप्टो करेंसी पर टैक्सेशन पर जो क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी कुछ इस प्रकार से आई कि भारत सरकार ने एक स्टेट अवे 30% की टैक्स रेट दी। पर अगला क्वेश्चन निवेशकों के माइंड में ये आया कि क्या भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी की लीगेलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर निवेशक जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है या करना चाहते हैं वो जानना चाहेंगे। आज की इस वीडियो में एक प्राइमा फेसाई व्यू यानी प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण क्या हो सकता है इस क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अमेंडमेंट पर जो बजट 2022 में निकल करके आ रहा है, उसे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से अमेंडमेंट लॉ में आ रहा है उसमें क्रिप्टो करेंसी स्पेसिफिकली वर्ड नहीं यूज हुआ है, तो क्वेश्चन क्या आया है कि भारत सरकार ने एक टर्म यूज किया है वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो अब आपको यह जानना पड़ेगा कि ओके सर, ये वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है। तो मैं वर्चुअल डिजिटल एसेट का कॉन्सेप्ट पहले आपके साथ डील करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन, कि वर्चुअल डिजिटल एसेट को लॉ ने कैसे डिफाइन किया। तो लॉ में यह कहा गया, यानी जो प्रपोज्ड है अमेंडमेंट, अभी ये लॉ बना नहीं है, ये बनेगा, क्योंकि जब भी बजट आता है दोस्तों, हम उसे फाइनेंस बिल बोलते हैं, और जब वो पास हो जाता है तो वो फाइनेंस एक्ट बनता है। तो अभी सरकार ने प्रपोज किया कि इनकम टैक्स के डेफिनेशन सेक्शन सेक्शन 2 में वो एक परिभाषा लेके आएगी वर्चुअल डिजिटल एसेट की, जिसको कहा गया वर्चुअल डिजिटल एसेट मीन्स एनी इंफॉर्मेशन और कोड और नंबर और टोकन नॉट बीइंग इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी। ध्यान रखने की बात क्या है सर, करेंसीज को वर्चुअल डिजिटल एसेट का हिस्सा नहीं माना गया, जेनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स और अदरवाइज। तो हम जो वर्ड यूज करते हैं सर क्रिप्टो करेंसी, वो ज्यादातर जितना मेरी समझ है छोटी सी, क्रिप्टोग्राफिक तरीके से ही जनरेट होती है, इसलिए हमने उसका नाम रखा है क्रिप्टो करेंसी, और उस क्रिप्टो करेंसी को ही वर्चुअल डिजिटल एसेट का पार्ट माना गया है, ऐसा प्राइमा फेसाई लगता है। बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड प्रोवाइडिंग अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू एक्सचेंज विद और विदाउट कंसिडरेशन विद द प्रॉमिस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैविंग इनहेरिट वैल्यू और फंक्शंस एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू और अ यूनिट ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग इट्स यूज इन एनी ऑफिशियल ट्रांजेक्शन और इन्वेस्टमेंट बट नॉट लिमिटेड टू इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड कैन बी ट्रांसफर्ड स्टोर्ड और ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये भारत सरकार ने एक व्यापक परिभाषा यहां पर वर्चुअल डिजिटल एसेट की दी, और नीचे इसमें और भी इंक्लूड किया है दोस्तों, अ नॉन फंजिबल टोकन। एनएफटीज पर हम चर्चा करते हैं, मैंने अखबारों में भी एडवर्टीजमेंट देखा है कि एनएफटीज आ रहे हैं या एनएफटीज खरीदे बेचे जा रहे हैं, तो एनएफटी को भी यहां कवर किया है, और बोला एनी अदर डिजिटल एसेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट स्पेसिफाई, जिसे भारत सरकार आने वाले समय में इस कैटेगरी में इंक्लूड करेगी। तो दोस्तों, अभी तक यह क्लियर नहीं है कि कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज इसमें आ जाएंगी, कौन सी छूट जाएंगी, किसको नया शामिल किया जाएगा, वो सब भविष्य के गर्भ में है। परंतु प्राइमा फेसा ये लगता है कि जिन क्रिप्टो करेंसीज में आज की डेट में डील किया जा सकता है या डील किया जा रहा है इंडियन इन्वेस्टर द्वारा, वो इस वर्चुअल डिजिटल एसेट की परिभाषा में तो कवर्ड होती ही हैं। मैं इसी डेफिनेशन का कुछ और हिस्सा आपके साथ डिस्कस करता हूं आगे, कि टू क्लॉज 47A की इस परिभाषा में और कहा गया सर कि प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट एक्सक्लूड एनी डिजिटल एसेट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी स्पेसिफाइड दे रहे। तो भारत सरकार किसी स्पेसिफिक डिजिटल एसेट को यहां से एक्सक्लूड करना चाहती है तो वो भी भारत सरकार कर सकती है, ऐसा प्रावधान दिखता है, जिसे भविष्य में क्लियर किया जाएगा। तो अभी के लिए जो बात निकल करके आई वो क्या सर, कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में क्रिप्टो करेंसीज को इनकम टैक्स लॉ रिकॉग्नाइज करने जा रहा है, पर क्रिप्टो करेंसीज में किए गए ट्रांजेक्शन वैलिड होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी मैं स्पष्ट रूप से सर नहीं बोल सकता। ये जरूर कह सकता हूं कि यदि मेरे इनकम टैक्स में जानकारी रखने वाले मित्र मुझसे चर्चा करेंगे तो वो कहेंगे कि भाटिया जी, इनकम टैक्स तो वैलिड इनकम इनवैलिड इनकम दोनों को ही कवर करता है, इसलिए अगर क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन को भारत सरकार इनवैलिड भी मानती है तो भी टैक्स करने का अधिकार इनकम टैक्स रखता है। और इस संदर्भ में जो स्पष्ट व्यवस्था आ रही है वो ये
कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में क्रिप्टो करेंसीज का टैक्सेशन किया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों कि टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट, जैसे आपने सुना कि 30% टैक्स रेट की बात है, तो ये 30% बात आई कहां से? ये बात आ रही है एक नए सेक्शन के रूप में जो 115BH के रूप में इनकम टैक्स लॉ में इंसर्ट होगा। मैं आपकी नॉलेज के लिए ये सेक्शन आपके सामने पढ़ता हूं। दोस्तों ये रहा सेक्शन 115BH टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट, और मेरा मानना है असेसमेंट ईयर 2023-24 यानी वित्त वर्ष 2022-23 से ये चीज एप्लीकेबल होगी, यानी ये टैक्सेशन रिजीम आएगी। 115BH लिखा जा रहा है, ये प्रपोज्ड है सर, वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन एसेसी इंक्लूड्स एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट, द इनकम टैक्स पेएबल शैल बी एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच वर्चुअल डिजिटल एसेट एट द रेट ऑफ 30%। यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर पर आपको जो इनकम होगी उस पर सरकार 30% लगाएगी। ध्यान से सुनिएगा सर, इनकम पर 30% टैक्स है, यानी मैंने बिटकॉइन खरीदी मान लीजिए 10 लाख की और बेची 12 लाख की, तो केवल 2 लाख पे 30% है, पूरी वैल्यू पर नहीं लगेगा सर। आगे सुनिए, बाकी के जो इनकम आपकी बच गई, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विद विच असेसी वुड हैव बीन चार्जेबल हैड द टोटल इनकम ऑफ असेसी बीन रिड्यूस बाय द इनकम रेफर्ड टू इन क्लॉज ए, बाकी की इनकम पर नॉर्मल जो आपका स्लैब रेट है अगर आप इंडिविजुअल हैं तो वो टैक्सेशन होगा। इसी सेक्शन में आगे और क्या बात लिखी गई, नॉट दिस स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी इनकम टैक्स की बाकी धाराओं को छोड़िए अब ये सेक्शन चलेगा, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और अलाउंस और सेट ऑफ एनी लॉस शैल बी अलाउड टू द असेसी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन कंप्यूटिंग इनकम रेफर्ड टू इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1। यानी जब क्रिप्टो करेंसी की आपकी इनकम कैलकुलेट की जाएगी तो केवल क्रिप्टो करेंसी खरीदने की कॉस्ट तो घटेगी, लेकिन कोई और प्रकार का डिडक्शन या अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा इस कंप्यूटेशन में, और ना ही आपको इस इनकम से किसी प्रकार का सेट ऑफ ऑफ लॉस लेने की परमिशन दी जाएगी। फर्दर बोला, नो सेट ऑफ ऑफ लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट कंप्यूटेड अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी अलाउड against the income computed under any other provision of this act to the assessee and such loss shall not be allowed to be carried forward to the succeeding assessment year। तो law बड़ा clear है, या मैं बोल सकता हूँ बड़ा rigid है, बड़ा क्रूर provision लेकर के आ रहे हैं कि आप जो loss book करेंगे सर उसे हम दूसरी income से, किसी दूसरे head की income से adjust नहीं करने देंगे, same head में भी नहीं adjust करने देंगे, और अगर loss आपका रह गया तो आप बोलते हैं साहब carry forward करूंगा, तो मैं carry forward भी नहीं करने देंगे। तो गवर्नमेंट एक तरीके से बड़ा स्टर्न एक्शन ले रही है क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन के टैक्सेशन का, जो आपको 115BH में दिखाई दे रहा है। अब अगला क्वेश्चन सर, के टीडीएस पर भी चर्चा हुई कि साहब क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन पर टीडीएस अप्लाई होगा, तो ये टीडीएस का प्रावधान सर कहां से आ रहा है? एक नया सेक्शन 194S लाया जाएगा 1/4/2022 से। इस सेक्शन के थ्रू सर क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शंस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। यह प्रावधान क्या है क्विकली आपके सामने रखता हूं। पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये टाइटल है सर प्रपोज सेक्शन का, जो कहता है एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट शैल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द रेजिडेंट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच सम बाय एनी मोड whichever is earlier deduct an amount equal to 1% of such sum as income tax thereon। यानी आपने मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी 5 लाख रुपए की बेची, तो जब जिसको आपने 5 लाख की बेची वो आपसे 1% की रेट पर टीडीएस काटेगा। अब टीडीएस कटने का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा सर, कि आपके फॉर्म 26AS में वो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हो जाएगा, जिससे भारत सरकार को पता चल जाएगा कि आपने ये ट्रांजेक्शन में हो सकता है कोई इनकम कमाई हो। अल्टीमेटली यू में क्लेम के नहीं साहब मुझे तो लॉस हुआ, तो कोई बात नहीं आपका जो टीडीएस कटा आप रिफंड ले लीजिएगा। तो टीडीएस कटने से एक लूप क्रिएट होता है एक तरीके की, आपकी इंफॉर्मेशन सरकार तक पहुंच जाती है कि हां साहब इस व्यक्ति ने क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन किया, सेल किया। आगे देखिए सर, इसी सेक्शन में चर्चा की गई कि इस तरीके के केसेस में लॉ ने एग्जम्पशन दे दी कि साहब 10 नंबर लेने की जरूरत किसी प्रकार से नहीं रहेगी,
और आगे बोला कि नॉट इज स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन वन नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड. तो क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन में टीडीएस कब नहीं कटेगा? वैसे तो 1% लगेगा, पर कब नहीं लगेगा? द कंसिडरेशन इज पेबल बाय स्पेसिफाइड पर्सन एंड द वैल्यू और द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज्यादा का आपका सेल कंसिडरेशन नहीं है 1% से, तो टीडीएस नहीं कटेगा, प्रोवाइडेड आपको कंसिडरेशन स्पेसिफाइड पर्सन से मिला. And consideration is payable by any person other than a specified person, and the value or aggregate of the such consideration does not exceed 10,000 rupees during the financial year. अगर आप specified person से नहीं receive कर रहे पैसा crypto बेचने का, crypto transfer करने का, तो 10,000 से ऊपर के transaction पर 1% TDS कटेगा, 10,000 से ऊपर की sale value पर 1% TDS कटेगा, 10,000 तक की value पर TDS नहीं कटेगा. तो दोस्तों क्वेश्चन आया कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, जरा इसको भी देख लेते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन स्पेसिफाइड पर्सन मींस अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हुज टोटल सेल ग्रॉस रिसीट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम और प्रोफेशन एक्साइज बाय हिम डज नॉट एक्सीड 1 crore rupees इन द केस ऑफ बिजनेस 50 lakh rupees इन द केस ऑफ प्रोफेशन. यानी स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? इंडिविजुअल एचयूएफ है, और इंडिविजुअल एचयूएफ आपका टीडीएस कब काटेगा? जब वो टैक्स ऑडिट के लिए कवर्ड होते हैं, या टैक्स ऑडिट नहीं बोलूं तो ये बोलूं कि उनका जो टर्नओवर है वो 1 crore से ज्यादा का है, 50 lakh से ज्यादा का है, या दूसरी परिस्थिति में बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट हैविंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोविजन, या एक ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ जिसके पास में बिजनेस प्रोविजन की इनकम नहीं है, वो स्पेसिफाइड पर्सन है. वो जब आपको 50,000 से ऊपर का पेमेंट करेंगे तो आपसे टीडीएस काटेंगे 1%. और अगर किसी अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन से आप 10,000 से ऊपर का भी पेमेंट लेंगे क्रिप्टो बेचने का, ट्रांसफर करने का, तो 10,000 से ऊपर आपको 1% का टीडीएस पूरी ट्रांजेक्शन वैल्यू पे दोस्तों एप्लीकेबल होगा. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आया सर कि व्हाट नेक्स्ट, कि अब आगे क्या करना है, कैसे ट्रांजेक्शन को देखना है. जो मेरी ओपिनियन बनती है मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मेरे दिमाग में 3 पॉइंट है जो मैं यहां पर एड्रेस करना चाहता हूं. हो सकता है मैं पूरा उत्तर नहीं दे पाऊं. पहला कि 31 मार्च 2022 तक जिन लोगों ने क्रिप्टो पे ट्रांजेक्शन कर लिए, सेल कर लिए, उनके लिए क्या प्रावधान होंगे? कोई क्लैरिटी अमेंडमेंट के थ्रू नहीं आ रही. यानी जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो का टैक्सेशन कैपिटल गेन हेड में भी हो सकता है, अदर सोर्स में भी हो सकता है, बिजनेस इनकम में भी हो सकता है, मेरी अनुरूप मेरी एक्सपेक्टेशन में वो टैक्सेशन का ट्रीटमेंट जारी रहेगा. आप लोगों को वेट करना चाहिए फॉर द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 का, कि ये जो एक बिल भारत सरकार ने प्रस्तावित किया है जिसे आगे अब सदन में, संसद में लाया जाएगा, इसमें क्या प्रावधान क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में किए जाते हैं. अगर वो प्रावधान डेंजरस है कि साहब क्रिप्टो करेंसी ही बैन हो जाएगी एक्सेप्ट इंडियन डिजिटल करेंसी जिसकी चर्चा की गई है, तो सर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. और यदि उस बिल के अंदर इस तरह के प्रावधान है कि हाँ डिजिटल करेंसीज को एक सर्टेन पैरामीटर्स पे मान्यता दी जाएगी, तो मेरा मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट आगे भविष्य में उज्जवल भी हो सकता है. तो ये बिल बहुत हद तक निर्धारित करेगा कि क्रिप्टो करेंसी भारत में आगे किस प्रकार डील की जाएंगी. एंड वी शुड ऑल्सो वेट फॉर इंडियन डिजिटल करेंसी टू बी लॉन्च बिकॉज दैट विल ऑल्सो गिव अ काइंड ऑफ क्लैरिटी के लोग एक इंडियन डिजिटल करेंसी को दूसरी क्रिप्टो करेंसी से कैसे कंपेयर करते हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के रूप में हमें ऑप्शन मिलता है या केवल पेमेंट के रूप में ऑप्शन मिलता है. इन क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों भविष्य के गर्भ में है, और मैं देखूंगा कि आने वाले समय में अगर इस पर कोई क्लैरिटी आती है तो मैं आपके साथ उस पर भी चर्चा करूंगा. तो दोस्तों निश्चित रूप से क्रिप्टो करेंसीज के टैक्सेशन पर बजट 2022 में जो वर्चुअल डिजिटल एसेट के टैक्सेशन की रिजीम लाई गई है वो 30% टैक्स रेट अपने आप में एक काफी सिग्निफिकेंट टैक्स रेट है. और अगर मैं ये बोलूं कि इसका एक सोचने का तरीका ये भी है कि भारत सरकार क्रिप्टो को हायर रेट पे टैक्स करके एक तरीके से लोगों को पेनलाइज कर रही है, या उन्हें प्रिवेंट कर रही है कि आप क्रिप्टो में ना डील करें, कम डील करें. लेकिन ये इंटरप्रिटेशन मेरी सही होगी या नहीं होगी वो भविष्य के गर्भ में है. दूसरी बात दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने क्रिप्टो करेंसीज पर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो मेरे मित्र हैं उनके साथ में भी वीडियो बनाया था. मैं वो वीडियो लेकर के भी जल्दी उनके साथ में भी एक डिस्कशन लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा कि उनके एज अ अंडरस्टैंडर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट क्या अंडरस्टैंडिंग है.
मैं उनके साथ भी जल्दी एक वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।